electricity पाए, खतरनाक क्रेजी लोग हैं, सभी लिए अंदर बाहर। हम लोग कहाँ मौजूद हैं? हमें सिरीपाई पे। और सिरीपाई में हम क्या खा रहे हैं? निम्को। निम्को खा रहे हैं इस वक्त। बेसिकली सिरी जो है वो एक नीचे की जगह है, एक पिट स्टॉप है। पाए जो है वो सबसे ज्यादा जो पीक पे हाइट है, ये वो लोकेशन है। इसके बाद गाड़ी नहीं थी, इसके बाद आपको बाय वॉक आना पड़ता है। तो रास्ता आपने देख लिया था, बहुत खतरनाक रास्ता है ये रोड। इस पर सिर्फ जीप जा सकती है और कोई गाड़ी नहीं जा सकती। एग्जैक्टली। लेट्स सी के ये व्यू क्या आता है यहाँ से। जो लोग आते हैं सिरीपाई, आप देखिए यहाँ से व्यू क्या आता है। आर यू रेडी? चेक दिस आउट। Like a child. देख रहे हैं वो पीछे पहाड़ी पहाड़ है, सिर्फ बादल और पहाड़ और अनलिमिटेड। और यहाँ से हाइक करते हुए हम जाएंगे पाई लेक की तरफ। एग्जैक्टली। और साथ में निम्को भी खाएंगे। निम्को भी खाएंगे। आप लोग खाएंगे? अच्छा, हाइकिंग यहाँ पे इजी नहीं है और वेदर काफी कोल्ड होता जा रहा है। हालांकि सन हमारे सामने है, जैसे आप देख सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ बहुत ज्यादा ठंड सी फील हो रही है हमें, क्योंकि ये लोकेशन एटीट्यूड पे है। एटीट्यूड पे तो यहाँ पे कोशिश करें कि आगे स्मोकिंग न करें, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन बहुत कम है। और पानी जरूर साथ लेके आए आप लोग, लाजमी। और जैसे रोड मैं आपको पास दिखाता हूँ, रोड देखें आप कैसे है यहाँ से गुजरने का। सारा कच्चा बना हुआ है, यहाँ पे घोड़े भी साथ जाते हैं, लेकिन हमने घोड़े नहीं लिए, हम लोग खुद ऑफ रोडिंग कर रहे हैं, पाँव से चले के जाएंगे हम लोग। तो फन डेफिनेटली। आप सामने देखें जैसे कि यार अनलिमिटेड सिर्फ व्यू नजर आ रहा है आपको, और ऐसा लग रहा है वो जो विंडोज 98 का जो वॉलपेपर नहीं होते थे, वो वाला व्यूज है पूरे पूरे। लेट मी टेल यू, ये लैंडस्केप आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। सबसे खूबसूरत जगह है ये इस एरिया की, और समझते हैं कि ये इक्वलेंट टू कश्मीर है। एग्जैक्टली। और सबसे मजे की बात, ये रोड जो हम ऊपर चढ़ के आ रहे हैं, जो कॉम्प्रोमाइज हमने किया है ना, जो इतना ऑफ रोड करके इतना हिल हिला के हम लोग जिस तरह आए, इन शॉर्ट वो चीज आप एक व्यू देखेंगे, आपके सारी थकान उतर जाएगी। आई बेट ऑन दैट। ये बताएं कि ये जगह अच्छी है, मतलब पूरे केपी के में आगे तक हो गया है? सिर्फ बाबू से स्टार्ट तो हो गया है। ठीक है, बाबू से स्टार्ट आगे तो फिर फेर में डोज है, उससे भी खूबसूरत है। अच्छा, दिल की तरह आगे फिर। ठीक है, ये जगह आपको कैसी लगी? सबसे और कैसी जगह है? शुक्रिया, थैंक यू। कहाँ से आप? मुल्तान से। आप मुल्तान से? हम कराची से। चलो मेरे, थैंक यू, वेरी गुड, इंशाल्लाह आए तो मिलिएगा यार। फाइनली वी फाउंड द लेक यार, वी फाइनली फाउंड द लेक। देयर इज अ लेक एंड दैट इज अ लेक एंड दैट इट इज। यार ये क्या हो गया हमारे साथ? क्या ये तो आंसू लेक लग रही है? छोड़, रास्ता जाकर है पहाड़ पे। आर यू रेडी? आर यू रेडी और नॉट, सवाल ये। मैं प्लाव लगा के आते।
अच्छा हम लोग, अच्छा मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ। हमारा जो आधे क्रू है वो अभी वहीं पे होटल में स्टे कर रहा है। हमारे से दूसरे कुछ लोग थे वो कराची से भी लेट आए थे। उसके बाद उन्होंने बोला कि हमारे साथ चले। हमने बोला यार अभी तो क्या है, कल भी परसों भी क्या है, थके हुए थे, लेकिन बड़ा इंसिस्ट किया तो हम वापस उनके साथ आ गए। और पुलाव बन रहा था हमारे लिए स्पेशल, चेक करे फिर, और सिर्फ निंगो खा रहे और पानी भी नहीं यहाँ पे। और जो लेकिन जो व्यू है ना वो सब चीजें पूरी कर रहा है। आप तो व्यू चेक करें यार, सब छोड़ें। जो वेदर है ना इस वक्त यहाँ का सबसे बेस्ट वेदर है इस वक्त, और अच्छा और कूल है। वरना यहाँ पे आपको कुछ नजर नहीं आता, पहाड़ वहाड़ कुछ नहीं आती, हमें विजिबिलिटी बहुत क्लियर है क्योंकि यहाँ पे बादल आ जाते हैं और उसके बाद कुछ नजर नहीं आता। और वैसे हमने पूछा था ओवरनाइट कैंपिंग, हमारा बड़ा मूड था, वरना आपको दिखाते ओवरनाइट कैंपिंग कैसी होती है यहाँ पे, लेकिन हमें मना कर दिया गया क्योंकि यहाँ की सिक्योरिटी वगैरह चार बजे के बाद आ जाती है, तो उसके बाद वो अलाउ नहीं करती क्योंकि आप कुछ सिक्योरिटी रीजन होते हैं उनके अपने कि आप ओवरनाइट स्टे नहीं कर सकते यहाँ पे। तो जितना एंजॉय करना है दिन में करें, चले एंजॉय करते हैं। हम लोग जो इतनी स्ट्रगल करके इतना चल के आए हैं वो इसलिए के लिए आए हम लोग, और इसलिए की हालत दिखाओ यार, हालत दिखाओ इनको जरा। कौन जो ना हमारी यार, प्लीज क्यों करते हो ऐसी हरकतें यार, जो लोग करते हैं ना बोतलें पी के यहाँ पे कचरे फेंके हुए जगह, इतनी क्लीन जगह है ना सर, ये इतनी क्लीन जगह है, मैंने अपनी जिंदगी में इतनी क्लीन जगह नहीं देखी। और ये कचरा देखें आप, लिटरली यार, अगर आप अपने साथ एक ड्रिंक की बोतल लेके आते हैं तो वही उससे भी कम वेट आपको वापस लेके जाते हुए क्यों मौत आ रही है। और आप इस जगह पे आके जहाँ पे कोई कचरा उठाने के लिए नहीं आएगा, आपने लेक को खराब कर दिया। एक्चुअली ये लेक नहीं है, इट्स अ स्मॉल पॉन्ड, और ये बारिश की वजह से ये छोटा सा जो है यहाँ पे पॉन्ड बन गया है। लुक वेरी ब्यूटीफुल यार, को खराब कर रहे हैं लोग। नाउ यू कैन सी द लैंडस्केप, सामने हमारे ये जो रास्ता जा रहा है ये ऊपर जा रहा है, उसके बाद एक और जो है वो माउंटेन आपको दिख रहा होगा ये, उसके पीछे एक और माउंटेन है, और फिर वो पूरा लैंडस्केप आप देख सकते हैं। ये वो जगह है जो विंडोज 2000 XP में जो आप देखते हैं पिक्चर जो है ना, ये वो जगह है एक्चुअली। ये हमारे जो एक फोटोग्राफर थे पापू जावेरी, नॉट टापू जावेरी, मिलते जुलते नामों से धोखा मत खाइएगा, तो पापू जावेरी ने ये पिक्चर ली थी और ये विंडोज XP के लिए जो है ना उन्होंने दे दी थी। और ये लैंडस्केप आप देख सकते हैं, बेसिकली अभी ये बहुत क्लाउडी। मजी बात यहाँ के कव्वे, कराची और इस्लामाबाद लाहौर के कव्वे किस तरह होते हैं, जो नेक होती है वो ग्रे होती है, अगर आप देख सकें, आई एम श्योर आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ के कव्वों की नेक भी ब्लैक है, टोटल ब्लैक है, बहुत डेंजर बात है। जिसने से गेम ऑफ थ्रोन्स देखा है वो समझ जाएंगे मैं किस क्रो की बात कर रहा हूँ। ऑलराइट, ये कुछ लाहौरी बॉयज जो है यहाँ पे आए हुए एंजॉय करने, पिंडी बॉयज आप लोग, अच्छा। मैं बहुत थक चुका हूँ हाइक कर करके लिटरली, लेकिन यहाँ लैंडस्केप ऐसा है कि मेरा दिल नहीं कर रहा यहाँ पे रुकूं, मेरा दिल कर रहा है मैं आखिर में जाऊंगा जाके सो जाऊंगा वहीं पे रात में ना। पानी पिला दे कोई, पानी मिस कर पानी नहीं, एक्चुअली यहाँ पे ऑक्सीजन कम है तो। एक सेकंड आमिर साहब ने क्या किया बताओ, बैकपैक तैयार किया हम लोगों ने 2 घंटे लगा के, ये भी ले जाना है, कभी सर्दी पड़ जाए, हो सकता है बर्फ पड़ जाए, हो सकता है बारिश हो जाए, बैकपैक रेडी किया, गाड़ी में बैठे ऊपर चढ़ गए हम लोग, बैकपैक हम लोग पहले नहीं भूल गए, होटल में छोड़ के आ चुके हैं, इनकी वजह से इन साहब ये भंड हो चुका है हमसे, और ये बड़ा खतरनाक रहा। और क्या चीज मिली है हमें बताएंगे। ऑलराइट, इस लैंडस्केप पे इतनी ऊंचाई पे अगर आपको ये देख के बहुत खुशी होगी कि यहाँ पे एक मस्जिद बनी हुई है जी, गोल वुडन स्ट्रक्चर, ठीक है, ये पूरी हाथ से बनी हुई मस्जिद है, और इसकी जो साइड वॉल्स है वो इन्होंने आगे से मेरे ख्याल में स्टोन से बनाई हुई है, बहुत खूबसूरत मस्जिद बनाई हुई है यहाँ पे, और लिटरली मैं बहुत खुश होंगे मस्जिद, दूर से मैं देख के मुझे लग रहा था कि लाइक कोई रह रहा होगा, लेकिन ये मस्जिद बनाई गई है यहाँ के, वाओ व्हाट अ सीन दी। और यहाँ दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और सीधे सीधे सिर्फ मस्जिद, सुभान अल्लाह। मजे की बात ये इस जगह की कि यहाँ एक एक कदम आप आगे बढ़ते रहेंगे और वहां पे सीनरी जो है वो एक नई किस्म की सीनरी डेवलप होती रहेगी, हर स्टेप पे एक नई लोकेशन आपको मिलेगी, एक नई चीज जगह जो आपको दिखेगी। अब जैसे यहाँ पे हमें यहाँ पे छोटी सी पॉन्ड दिखी है, इससे पहले एक पॉन्ड दिखी थी, अब यहाँ से हम लोग एक्चुअली माउंटेन के ऊपर जाने का ये रास्ता है, यहाँ से माउंटेन ये स्टार्ट हो जाती है, और ये रास्ते जा रहे हैं छोटे छोटे पीक आप देख रहे हैं वहाँ आपको दिख रही होगी ऊपर, ये रास्ते जा रहे हैं वो पीक पे। और अनफॉर्चुनेटली हमारे पास अभी हाइकिंग के जो है प्रोफेशनल गियर्स जो है वो नहीं है, तो इसलिए हम हाइक नहीं करेंगे। ऑलराइट, एक मजेदार व्यू दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको बहुत सारी गोट्स दिख रही होंगी वो सामने माउंटेन पे। ओ, मैंने खुद ही देखी, आई डोंट थिंक सो दे कैन सी बिकॉज़ सूरज इनको रिफ्लेक्ट कर रहा है इस एरिया में।
और बहुत ऊपर चढ़ना है और बहुत ऊपर चढ़ते आ रहे हैं हम, वहां से चलते आ रहे हैं लिटरली वहां से, एक्चुअली एक माउंट से दूसरे माउंट पे आए हम लोग। और यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे किसी ने बॉन फायर किया था, मे बी चला गया, लेकिन ये फायर जो है ये एक्सटिंग्विश नहीं हुई अभी तक। सो हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर स्टे करेंगे, देन वी विल मूव बैक। और सबसे डेंजर बात ये है, 10 से 15 मिनट मैक्स यहाँ पे अंधेरा होने वाला है, और उसी टाइम में हम लोग तकरीबन 45 मिनट की ड्राइव है, ऑफ रोडिंग करते नीचे उतरना है, 30 मिनट हमें वापस आना है और 45 मिनट नीचे उतरना है, तो आई गेस हम लोग को अंधेरा ही मिलेगा। तो अल्लाह करीम, टेंशन नहीं है, आप चेक करें बॉनफायर किसने किया था। मतलब ये जगह ऐसी है कि लिमिटलेस आप आगे जाते रहो। ओए आमिर जी, रहो बेस्ट चीज सिखाते हैं ये, मेरे ख्याल से कोई आई गेस आई एम नॉट श्योर, ये देख रहे हैं एरिया आपको, ये शायद दरिया या कोई दरिया टाइप की चीज बहती थी यहाँ से, और उसको बिल्कुल ड्राई हुई भी है, और अब सोच सीरी पाई की हम लोग हाई पीक पे, और यू कैन सी दिस। अच्छा ऊपर देखिए आप एक चीज, ये दिस इज अ हाउस और समथिंग लाइक दैट, और बॉय कौन रहता होगा वहां पे यार। और ओ वाओ, यहाँ पे आपको मेरे ख्याल से आपको नजर नहीं आ रही होगी कैमरे में, लेकिन यहाँ पे दो और घर बने हुए, और दिस इज फिनोमिनल। मतलब आप यहाँ पे आएंगे, आपके मुंह से सिर्फ जुबान से एक ही लफ्ज निकलेगा, वो है सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। खामोशी सुने, मैं कुछ नहीं बोल रहा, और बॉयज हमारे वहां बैठे हुए, आई एम श्योर आपको नजर आ रहे हैं, ये सारे ओके। सूरज बिल्कुल टॉप पे, आपको सूरज भी नजर नहीं आ रहा है, इट्स वेरी गुड नाइस, सूरज जा रहा है। नाउ मैं एक वर्ड भी नहीं बोलूंगा, आप सिर्फ साइलेंस एंजॉय करें यहाँ का। See, unbelievable, subhanallah. दुम्बों के साथ अनलिमिटेड दुम्बे यहाँ पे, और आप क्या समझ में सुरागढ़, नो, ये कोई मवेशी बंडी भी नहीं है, ये है आमिर साहब, ये क्या है, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये बताएंगे। हाँ भाई, कितने दान चाहिए आपको? चार दान हमारे पास दुम्बे हैं, डिफरेंट किस्म के, चाइनीज, अमेरिकन, यूरोपियन, जिस किस्म का भी दुम्बा चाहिए आपको आ सकते हैं यहाँ पे। हम लोग हैं श्री पाए पे, और यहाँ से वापस जा रहे हैं, मेरा लिटरली मूड नहीं है, ना इसका मूड है वापस जाने का। वी आर वेरी डिसअपॉइंटेड कि कचरा फेंका लोगों ने। दूसरी जगह से ये कि यार ये जो जगह है ना, यहाँ पे मैं डिफाइन नहीं कर सकता एक्चुअली, जब आप यहाँ पे आओगे पर्सनली देन यू विल रियलाइज कि हम लोग क्या बातें कर रहे हैं और क्यों इतने इमोशनली अटैच हो गए इस जगह से। दिस इज लव, एक्चुअली लव का जो मतलब होता है, दिस प्लेस इज लव। अब उसमें मजे की बात बताऊं, डिप्रेशन का और टेंशन का, परेशानी का, जो हम लोग बेसिकली आजकल की लाइफ में एवरीवन, हम में से जितने भी लोग हैं वो फेस करते हैं इन चीज़ों को, लेकिन रिलीजिंग लेवल बहुत सारे लोग होते हैं कुछ जो टू बी फैक्ट, और वो बहुत डिसअपॉइंटिंग बात है, कुछ ड्रग्स से चले जाते हैं, कुछ और डिफरेंट एरिया में चले जाते हैं, लेकिन एट टाइम्स एवरीवन हैव देयर ओन कंफर्ट लेवल, कि वो अपना फ्रस्ट्रेशन और अपना जो टेंशन रिलीज करने के तरीके हैं वो यूज़ करते हैं। लेकिन सम पीपल आर जो नेचर से करीब होते हैं। इफ दे आर क्लोज टू नेचर देन दिस इज द प्लेस टू कम एंड विजिट। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, विद इन सेकेंड्स, नॉट अ मिनट्स, एक सेकेंड, मिनट्स, आपकी टेंशन फ्रस्ट्रेशंस विल गो बूम इन अ सेकेंड, सब गायब हो जाएगा। और अच्छा एक्चुअली मेरे बहुत सांस फूल रहा है, दिस इज वेरी, हम लोग पता नहीं, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट 11,000 या समथिंग 10,000 फुट पे हम लोग हाइट पे इस वक्त,
सो गाइज यू शुड विजिट ओवर हियर, सिरी पाए जगह का नाम है, और शुगरान में आपको स्टे करना पड़ता है। इस्लामाबाद से डायरेक्ट शुगरान भी आ सकते हैं, और शुगरान में मतलब शुगरान में ऊपर चढ़ने के लिए आपको तकरीबन 45 मिनट्स अप्रॉक्स लगते हैं, और उसके बाद आप नाइट स्टे कर लें ताकि आप थोड़ा रिलैक्स हो जाएं, फील अच्छा हो जाए, उसके बाद फिर आप ऊपर आएँ नेक्स्ट डे। टाइमिंग मैं बता रहा हूँ आपको, इन द मॉर्निंग, और सेकेंड टाइमिंग आप आओ जब 3 से 4 बजे के दरमियान, तो वो टाइमिंग बहुत अच्छी रहेगी आप लोगों के लिए, क्योंकि उस टाइमिंग में आपको सूरज सर पे नहीं मिलेगा, तो आपको वेदर भी अच्छा मिलेगा, और अपने साथ एक जैकेट, स्लो जैकेट मतलब सॉफ्ट जैकेट जरूर लेके आए, तो इट विल बी वेरी नाइस फॉर यू। ओके, विल सी यू, आई एम इन लव।